सर अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मेरा नाम रियाजुद्दीन है और मैं करीब 10 साल से स्पिन कास्टिंग का काम करता हूँ। रबर कास्टिंग में ये सब आइटम बनाता हूँ, ज्वेलरी वगैरह। ये ज्वेलरी वगैरह है, जैसे ये है फ्लावर्स वगैरह, और ये बक्कल्स हैं, इस तरह के बक्कल वगैरह मैं बनाता हूँ। तो पिछले मतलब जब से मैंने ये काम चालू किया है, मुझे एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम आती है कि रबर कास्टिंग में ये मास्टर की ज़रूरत होती है, एक पीस जिसको जो है रबर में हम लोग दबा के और इससे जो है मेटल का बना लेते हैं। अब ये एक बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि हमें एक पीस चाहिए होता है जो कि मास्टर, अगर हमें इसका बनवाना पड़ता है तो चांदी में बनवाना पड़ता है। अब चांदी में बनवाने के लिए इसमें ये दिक्कत होती है, करीब ये हमने बनवाया था अभी, तो ये 4,000 रुपये का बना था चांदी में, और मैं बहुत दिनों से चाहता था कि कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे जो है मास्टर बन जाए। तो मैंने, मेरे कज़िन ने बताया कि एक 3D प्रिंटर आता है जिसकी मदद से कुछ मतलब मास्टर बना सकते हो। तो मैं पिछले 1.5 साल से ये कोशिश में लगा था कि मुझे 3D प्रिंटर जो है मिल जाए। तो मैंने काफ़ी कोशिश करी, नहीं मिला। फिर मैं एक दिन एग्जीबिशन में गया तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी नितनुई करके जो है एक कंपनी का वो लिखा हुआ था, तो मैंने देखा यहाँ पे तो 3D प्रिंटर रखा हुआ है जो चल रहा था। तो मैं देखा डिज़ाइनें बन रही, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने बात करी सर से, तो उन्होंने अपना एड्रेस दिया दरियागंज का कि वहाँ पे आइए। तो मैं वहाँ गया, मैंने फिर मतलब जो है और सवाल जवाब किए, पूछा, तो उन्होंने जो बताया, तो उससे मुझे जो है ये फ़ायदा हुआ कि मैंने फ़ौरन जो है मशीन ले ली और अपने आइटम बनाना चालू किया है। तो सबसे पहले मैंने ये बनाया था, ये जो है मैंने 4,000 का चांदी का बनवाया था, फिर मैंने ये 3D प्रिंटर से बनवाया बनाया खुद, जो कि मुझे एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा, यानी कि मुश्किल से इसमें 30-40 रुपये का खर्चा आया होगा या डिज़ाइन का जो भी खर्चा हो। अब ये इस तरह के आइटम ये हैं, जैसे ये बक्कल है, ये आराम से कम इसके 2,000 रुपये पड़ते हैं मास्टर बनवाने के, तो मतलब वैसे हाथ वगैरह से जो बनाते हैं। अब ये आराम से इसमें बन जाता है। हाँ, सबसे पहले मुझे क्या, अभी मैं मुझे ये पीस बनाना था, ये पीस बहुत छोटा है, ये पीस देखें कितना छोटा है इसके। अब ये जो है पीस बनाने के लिए, इतना बड़ा बनाने के लिए हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा पीस। फिर मैंने फ़ौरन इसको 3D प्रिंट किया, ये देखिए है, और होल भी चाहिए था तो 3D प्रिंट किया, तो और फिर मैंने बना दिया इसको, और ये हमारा आराम से माल बन गया। तो ये चीज़ है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है शिंक होता है, रबर होती है, सिलिकॉन रबर होती है ना, वो शिंक हो जाती है। शिंक होने के लिए हमको अब इसमें ये फ़ायदा है, कोई भी चीज़ जो है इसको 10%, 5%, 20% बढ़ा लिया। अब जैसे ये पीस है, ये बनाना था तो मैंने क्या किया, फटाफट इसको बनाया, इसको 10% मैंने बढ़ा रखा, ये इससे 10% बढ़ा है। ये 10% बड़ा होने की वजह से अब ये आराम से जो है हमारा पीस, जब हम इसको स्पिन कास्टिंग में रबर में इसको दबाएंगे तो इसकी फोटोकॉपी, उसके अंदर जो है कैविटी बन जाएगी इसकी, और फिर इसको हम इसको मेटल में, कैडमियम में या जिंक में ढलाई करेंगे तो ये आराम से इस पोजीशन में आ जाएगा। तो ये हमें सबसे बड़ा फ़ायदा मिला। और अभी मैं और भी इसमें जितनी भी चीज़ें हैं मैं धीरे धीरे जो है सीख भी रहा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ और बनाना। तो आपको कंप्यूटर जैसे चलाना आता है या नहीं? ये इसमें कई दिक्कतें आती होंगी। असल में मुझे तो कंप्यूटर का बटन भी नहीं दबाया कभी। फिर मैं नितिन आप लोगों के यहाँ गया तो आपने बताया, ये तो अंगूठा छाप भी जो है कर लेगा ये काम, तो मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, अजीब सी बात लगी। फिर मैं कोशिश करते हैं, फिर मैंने मशीन लेने के बाद फिर कंप्यूटर लिया, लैपटॉप लिया, ये मेरा लैपटॉप है। अब मैं इस पर थोड़ी सी कोशिश करता हूँ तो कुछ डिज़ाइन भी बना लेता हूँ। वैसे डिज़ाइनें बाहर से बनवा लेते हैं लेकिन मशीन बहुत इजी है, आराम से मशीन पे काम होता है, बस एक बटन दबाओ सो जाओ, सवेरे आपको पीस मिल जाएगा 1 घंटे का या 2 घंटे का जैसा भी है। अब यह है मिसाल के तौर पर, ये चीज़ है ये बनाने की, किसी ने मुझे कहा कि भाई वो मुझे चाहिए गमला चाहिए या फ्लावर पॉट चाहिए, तो मैंने ठीक है निकाल लिया रात में, उसने मुझसे कहा, मैंने सवेरे उसको दिखा दिया, वो बहुत खुश हो गया और मुझे अभी इसका ऑर्डर भी मिलेगा। मैं जो है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे चल के मतलब फ़ायदा होने वाला है।